हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हर साल कुल मिलाकर 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है और हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की मनुष्य पर असीम कृपा बनी रहती है और ऐसे मनुष्य को दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार की सुबह 4:44 से। एकादशी की समाप्ति होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 तक और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय इस दिन सुबह 5:24 से 6 तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि लग रही है तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा। तो देखिए, क्योंकि अगले दिन 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता, हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही उपवास खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हैं उन्हें अगले दिन दोपहर 12 के बाद व्रत का पारणा करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास बहुत अधिक समय के लिए हो जाएगा, इसीलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं और 17 जून को ही उपवास रखना चाहते हो तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो वो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 से 3 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। हालांकि शास्त्र सम्मत तथ्य यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 पड़ती है तब सभी को, चाहे वो गृहस्थ जन हो चाहे वो वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी एकादशी का उपवास ही रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:38 तक समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सूर्योदय होगा 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सिद्ध योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:11 पर समाप्त होगा। बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। ये सभी योग बहुत ही शुभ हैं। इन सभी शुभ योगों में की गई पूजा या रखा गया उपवास अवश्य ही फलित होता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल रहेगा दोपहर 12 से 1:30 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 तक, क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसीलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोल लेना होगा। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को एकादशी तिथि का पारणा किया जाएगा सुबह 5:45 से 7:28 तक। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके सूर्य देव को जल जरूर दे, इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। व्रत रखना चाहते हो तो व्रत का संकल्प ले। यदि आप निर्जल व्रत रखना चाहते हो तो निर्जल व्रत का संकल्प ले, और यदि आप फलाहार ग्रहण करके व्रत रखना चाहते हो तो फलाहार का भी आप संकल्प ले सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, पंच अमृत अर्पित करें।
साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। एकादशी व्रत के दिन संकल्प लेते समय जो आचमन किया जाता है, जल की बस उतनी ही बूंद आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बहुत ज्यादा प्यास इस दिन लगे तो आप एक या दो बार पानी का कुल्ला भी कर सकते हैं। ध्यान रखें पानी मुंह के अंदर ना जाए। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप जरूरतमंद लोगों को दान करें ताकि आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके, और ऐसा करने से सभी पापों का नाश भी होता है। अगर आज के दिन दक्षिणावर्ती संक में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो उससे भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए।